Salone, and today I am going to teach you chapter number 13, Average. These chapters I am teaching you according to your syllabus which comes in your UT 1. So average ka jo yahan pe aapko formula given hai, that is sum of all the given observations upon number of these observations. Means ye observations kuch bhi ho sakti hai, kisi ki age, speed of the car, yes, speed of any vehicle, marks of any subjects, height of the students, and so many other examples. So I am taking one example here. Suppose a car covers a distance of 324 kilometers in 6 hours. 324 kilometer ka distance jo hai wo 6 hours mein complete kiya gaya hai. Then we calculate the average speed of the car as. सबसे पहले हम इसमें average speed का formula लगाएंगे. So average speed is equal to total distance covered in kilometer and number of hours taken, means कितने किलोमीटर का distance हमने कितने किलोमीटर में cover किया, hours में cover किया है वो हमें बताना है. तो यहाँ पे already हमें sum दे रखा है 324 and 6. 324 किलोमीटर में है and 6 hours में है. Now मैंने इनको टू के टेबल से कट कर दिया है. टू थ्री जो सिक्स एंड टू वन जो टू, टू सिक्स जो ट्वेल्व, टू टू जो फोर. अगेन मैंने इनको थ्री के टेबल से कट कर दिया. थ्री वन जो थ्री, थ्री फाइव जो फिफ्टीन एंड थ्री फोर जो ट्वेल्व. सो आंसर आया यहाँ पे 54. तो एवरेज स्पीड आपके पर आर हो गई 54 किलोमीटर पर आर. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द कार. Come to the exercise 16. Question is, find the average of 9, 11, 13, 15 and 17. Average formula likhenge sabse pehle hum. Average equals to sum of all observations upon me number of observations. Okay, so यहाँ पे अब हमारे observations क्या क्या है देख लेते हैं. 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 and number of observation है आपके 1 2 3 4 5. अब इन सबको हमें क्या करना है, add कर 7 5 12 3 15 1 16 16 and 9 25 2 carry kya 2 or 1 3 4 5 6 65 upon 5. इनको सेम टेबल से कट कर देते हैं. 5 1 5 5 1 5 5 3 15. तो इनका एवरेज जो है आपका आ गया 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ 9.3, 6.7, 7.4 एंड 8.2. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखना है. एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशंस. तो इनको भी हम ऐड कर लेते हैं. 9.3 प्लस 6.7 प्लस 7.4 प्लस 8.2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 1 2 3 4. तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे. नाउ इन सबको ऐड कर लेते हैं. 2 and 4 6 6 and 7 13 13 and 3 20 20 का 0. 2 कैरी क्या 8 and 2 10 17
23 में हम ऐड कर देते हैं 9 को, तो ये हो गया आपका 32, और इसमें आपका पॉइंट भी है ना 4. 4 से 2 से इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ना 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो आपका यहाँ पे आ गया एवरेज ऑफ दिस नंबर्स 8. कैलकुलेशन मिस्टेक है, 2 and 4 6, 6 and 7 13 13 and 3 16 होगा. वन कैरी जाएगा तो ये जाएगा आपका 8 over 9 16 22 and 31. को हटा देते हैं, 31.6/4 है. हम इसको कट कर लेते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0.2 जा 16. अगेन इसको 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0.29 जा 18. तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 7.9. कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी. नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 2 by 5, 5 3 by 10, 4 1 by 5 and 7 7 by 10. तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला ही लिखना है. एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल observations upon number of observations. इनको ऐड करते हैं तो इनको मैं पहले से ही आपको प्लस करके दिखाती हूँ. पहले 6 2 upon 5 plus 5 3 upon 10 प्लस 4 1 upon 5 plus 7 7 upon 10 upon 1 2 3 4. 4 है ये. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका जो होल नंबर्स हैं एक साथ ऐड कर लेते हैं, 6 plus 5 plus 4 plus 7. ओके, अब बच गया है हमारे पास यहाँ पे 2 upon 5, 3 upon 10, 1 upon 5 and 7 upon 10. 5 और 10 का जो LCM होता है वो 10 होता है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी 2 से करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका 4 upon 10 plus 3 upon 10 plus 2 upon 10 plus 7 upon 10 upon 4. नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे 10 होगा तो 7 और 2 9 9 और 3 को ऐड करते हैं, 6 और 5 11 15 15 and 7 22 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 7 2 9 and 16 16 upon 10 upon 4. अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे कम्प्लीटली तो 10 हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 6 upon 10, और जो आपका 4 है उसका ऐसे प्रोगल करेंगे तो ये जाएगा into 1 upon 4. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं. तो 230 हो जाएगा, 2 23 10 2 30 and 6 236 upon 10 into
टू 1/4, तो इसको 4 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा 4 1 4, 4 5 20 एंड 4 9 36। तो इसको जब हम कंप्लीट मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 5 50, 9 आपका रिमाइंडर बच जाएगा और 10 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स। तो फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। नाउ एवरेज ऑफ नंबर्स निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स गिवन। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और टोटल नीचे आपका आ जाएगा 9। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो देखिए 9 और 1 10 20 30 40 and 5 upon 9 9 और 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 3 3 3 3 15 3 3 3 15। आपका यहाँ पे आंसर आ गया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60 इक्वल्स टू 51 53 55 57 and 59। एवरेज निकालेंगे हम इनका, सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड टोटल ऑड नंबर्स। यहाँ पे आपका 51 + 53 + 55 + 57 + 59 upon 1 2 3 4 5। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इन नंबर्स को। तो आपका आ जाएगा 9 और 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24 24 और 1 20 25 का 5, 2 कैरी किया 2 और 5, 2 को कैरी रखते हैं साइड में, 5 5 10 15 20 25 25 और 2 27 अपॉन 5। अब इसको 5 के टेबल से कट कर दो, 5 1 5 5 5 25 5 5 25, सो आपका एवरेज आ गया इसका 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 17। तो इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 17 इक्वल्स टू 8 10 12 14 एंड 16। नाउ एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अपॉन में टोटल इवन
equals to 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 upon 1, 2, 3, 4, 5. ऐड कर लेते हैं 6 एंड 4 10 12 एंड 8 20 2 कर गया 2 और 1 3 4 5 6 60 अपॉन 5 तो 5 इनटू 5 5 इनटू 5 5 इनटू 10 एवरेज आ गया आपका 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 द प्राइम नंबर्स between 20 and 40 हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं ऑड नंबर्स नहीं लेने तो प्राइम नंबर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 29 31 37 ठीक है तो यहाँ पे अब हमने निकालना है एवरेज एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ प्राइम नंबर्स अपॉन में टोटल प्राइम नंबर्स इक्वल्स टू 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 अपॉन में 1 2 3 4 है अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं 7 और 1 8 8 और 9 17 17 and 3 20 2 3 2 or 3 5 5 or 3 8 10 or 2 12 upon 4 equals to 2 ke table se cut kar lete hain 2 2 is 4 2 6 is 12 0 again 2 se cut ho jayega 2 1 is 2 2 3 is 6 0 the answer aa gaya aapka yahan pe 30 okay सो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लेना अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करना ओके तो डू योर वर्क एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड मी इन द होमवर्क ग्रुप ओके थैंक यू बाय